मेरा नाम है गुनिका। आज मैं आपसे बात करूंगी फ्लैट हेड्स के बारे में कि ये मिथ होता है या फिर ये एक रियलिटी है। पर इससे पहले कि हम शुरू करें, हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। प्लैजियोसेफली, जिसे कि हम फ्लैट हेड कहते हैं, ये बिल्कुल भी मिथ नहीं है, ये एक 100% रियलिटी है। जनरली सभी बच्चों का सिर एक प्रॉपर सिमेट्रिकल राउंड शेप में नहीं होता, वो कुछ कुछ जगह से फ्लैट हो जाता है। ये इस वजह से होता है कि जो न्यूबॉर्न बेबीज का स्कल होता है वो काफ़ी सॉफ्ट होता है और एक ही तरफ लेटे रहने से उनका स्कल वो फ्लैट शेप ले लेता है। और कुछ मॉम्स के साथ जिनके ट्विंस, ट्रिपलेट्स या मल्टीपल बेबीज हो रहे हों, उनके बेबीज के साथ फ्लैट हेड नेचुरली हो सकता है क्योंकि उनको वूम में इतनी जगह नहीं मिलती, क्योंकि डिलीवरी के टाइम पे उनके हेड पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। अब हम बात करेंगे कि हम फ्लैट हेड से डील कैसे कर सकते हैं। जनरली जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं उनके जो हेड्स होते हैं वो एसिमेट्रिकल शेप में ही होते हैं, लेकिन हम लोग फिर भी चाहते हैं कि उनकी शेप एकदम राउंड और सिमेट्रिकल हो जाए। ये इवेंचुअली बच्चों के साथ 3 या 4 मंथ्स की एज के बाद अपने आप होना शुरू हो जाता है, जब हम बच्चे को टमी टाइम देना शुरू कर देते हैं। एंड स्पेशली 6 मंथ्स के आसपास जब बच्चे की हेड की मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो शेप ऑटोमेटिकली ठीक होनी शुरू हो जाती है। अगर ये फिर भी ठीक ना हो तो जनरली एक रीपोजिशनल थेरेपी इंट्रोड्यूस की जाती है, जो कि बहुत ही सिंपल है और हम घर में आराम से कर सकते हैं। इसमें आपको ध्यान रखना है कि बच्चा एक पोजीशन में बहुत देर तक ना लेटा रहे, उसकी पोजीशंस चेंज करते रहें, कभी लेफ्ट में सुलाएं तो कभी राइट में सुलाएं। अब मैं आपसे कुछ ऐसे आइडियाज़ डिस्कस करूँगी कि आप अपने आप अपने बेबी के हेड की शेप ठीक कर सकें। सबसे पहली चीज़ जो आप कर सकते हैं कि ऑल्टरनेट फीड्स में आप अपने बेबी की पोजीशन चेंज करते रहें ताकि एक ही साइड पर बच्चे के हेड पर प्रेशर ना पड़े और आप फ्लैट हेड अवॉइड कर सकें। जब आप अपने बेबी को क्रिब में सुलाएं तो उसकी साइड ऑल्टरनेट नैप्स में चेंज करते रहें ताकि जब वो उठे और आपको ढूंढे उसकी हेड की मूवमेंट हो। टमी टाइम देने से ये होगा कि जब बच्चा लेटा होगा वो अपनी नेक उठाएगा और उसके स्कल पे प्रेशर रिलीज होगा, जिससे कि फ्लैट हेड अवॉइड हो सकता है। चौथी चीज़ जो आप कर सकते हैं वो ये है कि उसको बैठने का टाइम ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करें। एक जगह पे काफ़ी देर बैठे रहने से बच्चे का हेड वो ही पोजीशन ले लेता है और इससे फ्लैट हेड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो उसको बाउंसर्स पे, स्विंग्स पे या फिर कार सीट पे बहुत देर तक एक ही पोजीशन पे बिठाना बिल्कुल अवॉइड करें। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखें कि जो थोड़ा सा मिस शेप्ड हेड है वो बेबी की ग्रोथ पे बिल्कुल हैम्पर नहीं करेगा। आई होप आपको हमारी ये टिप्स अच्छी लगी हो। अगर आपके पास ऐसे और यूजफुल टिप्स हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें और हमारा चैनल देखते रहें। थैंक यू।